हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रू टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। सो आज हम पढ़ेंगे भाई ज्योग्राफी क्लास 12 ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 2। आई होप आपको पार्ट नंबर 1 अच्छा लगा होगा। तो सीधा इसको चालू करते हैं। सबसे पहला भाई हमारे सामने टॉपिक आता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई हम इतनी देर से ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम देख लेते भाई मेजरमेंट का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो हमारे सामने आता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करी थी। अगर भाई हम बात करते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये हर कंट्री को ना रैंक करता है, और रैंक करने का सिंपल सा क्राइटेरिया होता है भाई कि हेल्थ वाले सेक्टर में वो कैसी कंट्री काम कर रही है, एजुकेशन में कैसे काम कर रही है, और रिसोर्सेज की तरफ उनका एक्सेस कैसा है इन कंट्री में। तो इन चीजों को देखते हुए पूरा एक कंट्रियों को रैंक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 के पास अगर कंट्री ज्यादा है मतलब वहां ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, अगर 1 के ज्यादा पास है मतलब वहां ह्यूमन डेवलपमेंट तगड़े लेवल पर चल रहा है। तो ये पूरा इसमें देखते हैं, ये पूरा ही हमें बताता है। अगर हम बात करते हैं भाई कि कैसे क्या देखा जाता है इसमें, तो जैसा भी हमने बात किया मेन एरियाज में देखते हैं, हेल्थ में देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेस में देखते हैं। लेकिन अब इनमें देखने की भी चीजें होती है ना, मतलब अगर बोला जाए हेल्थ में कैसे देखोगे तो इनके क्राइटेरिया है। अगर हम बात करते हैं भाई हेल्थ को कैसे देखते हैं लोग, इन लोग देखते हैं कि एक कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है किसी की, मतलब इस कंट्री के लोग कितना जीने वाले हैं। तो ये होता है भाई हेल्थ का इंडिकेटर कि अगर किसी कंट्री की हेल्थ अच्छी मतलब वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जितनी ज्यादा किसी की भाई एक्सपेक्टेंसी होगी, जितनी ज्यादा उसकी जिंदगी बड़ी होगी उतना ज्यादा वो जियेंगे और उतनी हेल्दियर लाइफ वो जियेंगे, ऐसी ज्यादा चांसेस हो जाती है। तो ये पहला आता है। आगे बढ़े उसके बाद बॉक्स भी देख लेते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि 1990 से हमारा जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, ये एनुअली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसमें पूरे रैंक किया जाता है कंट्री को उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से कैसा क्या वहां पर डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए भाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ये UNDP में दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने भाई हेल्थ का देख लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, भाई नॉलेज कैसे चेक किया जाता है, तो दो चीजों से चेक करते हैं। एक होता है भाई हमारे एडल्ट लोगों की लिटरेसी रेट क्या है, और उसके बाद आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो भाई कोई भी एक एजुकेशन लेवल में जितने बच्चे पढ़ने जा सकते हैं उनमें से कितने जा रहे हैं, जो इसका रेशो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो भाई सिंपल बात है, जितने एडल्ट पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और जितने बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल में, इससे हमें बहुत पता चल जाता है कि भाई एक कंट्री में वहां के नॉलेज प्रोवाइड करने की स्थिति क्या है, वहां एजुकेशन की स्थिति क्या है। तो इससे हम पूरे कंट्री की चीजें निकाल लेते हैं कि वहां इजिली सब अवेलेबल है कि बहुत डिफिकल्ट वे में सब चीजें प्रोवाइड करी जाती, तो पूरा हमें पता चलता है। इसके बाद भाई एक्सेस टू रिसोर्सेस, ये पता लगाने का सिंपल तरीका है कि आपकी परचेसिंग पावर कितना, भाई आपकी पावर कितनी है, आप क्या क्या परचेस कर सकते हो, और ये जनरली US डॉलर्स में देखा जाता है परचेसिंग पावर। तो भाई जो ये तीनों डायमेंशन है हमने देख लिया, हेल्थ का, नॉलेज का, और हमारा एक हो गया एक्सेस टू रिसोर्सेस का, इनको 1/3 का वेटेज दिया जाता है, और इसके बेसिस में किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इनका पूरा टोटल करके देखा जाता है, अगर कोई 1 के पास है तो उसका अच्छा है, अगर कोई 0 के पास है तो उसका बेकार है। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी का स्कोर है 0.983 तो उसको वेरी हाई बोला जाएगा कि यहां का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, और किसी का 0.268 है मतलब वहां का इतना खास कुछ है नहीं। तो ये हमें देखने को मिलता है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत जरूरी है हमें देखने को कि भाई एक कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, और पूरा हमें देखने को मिलता है कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से एरिया में कंट्री कैसे काम कर रही है, क्या क्या एक कंट्री ने अचीव किया है। तो ये पूरा हमें इससे देखने को मिल जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। लेकिन इसके बाद भी ये सबसे रिलायबल मेजर नहीं है, मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताता। भाई एक कंट्री के बारे में बता देता है लेकिन उस कंट्री में कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल ये चीजें हमको पता नहीं चलती, सिर्फ हमें एक ऊपरी डेटा पता चल जाते हैं, इसलिए मोस्ट रिलायबल मेजर हम इसको नहीं बोल सकते। इसके बाद भाई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड होता है। इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में, इंडियन इकोनॉमिक्स में। अगर हम बात करें भाई इस इंडेक्स की, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल देखता है कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कहां रह जाता है कुछ आगे जाने से। वो पूरी चीजें ये देखता है कि भाई अगर इन चीजों में सुधार हो जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। ये एक नॉन इनकम मेजर होता है। इसमें क्या-क्या हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई 40 से पहले
उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं बच पाएगा। उसके बाद एडल्ट इलिटरेसी रेट क्या है, फिर नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, फिर नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, मतलब कितने ऐसे बच्चे जो अंडर वेट हैं, ये पूरी चीजें देखी जाती है। इससे पता चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट के शॉर्टफॉल किसी भी एक रीजन के, कंट्री हो या कोई रीजन हो, उसका इससे पता चल जाता है। अगर हम बात करते हैं भाई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की, तो ज्यादा रिवीलिंग है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें खोलकर ये बता देता है। तो अगर हम इन दोनों मेजर्स की बात करते हैं, तो टुगेदर अगर ये साथ में आते हैं, तो हमें एक एक्यूरेट पिक्चर मिलती है भाई किसी भी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट की सिचुएशन कैसी क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं यार, आप गूगल पर जाना और इंडिया के बारे में पूरी रिसर्च करना, इंडिया का पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और आप मुझे कमेंट में बताना हम कैसे चीजें सही कर सकते हैं। और इसके बाद यार एक और चीज हमारे सामने आती है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के जितने भी मेजर होते हैं, ये समय के साथ रिफाइंड होते रहते हैं, नए नए वेज हमारे सामने आते हैं, नई नई चीजें हमें पता चलती है यार कि हमें ये भी रिसर्च करना चाहिए, इसमें और डीप जाना चाहिए, नई नई चीजें करना चाहिए। तो ऐसी पूरी चीजें हमें पता चलती है, इन पर रिसर्च चलती रहती है, जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की चीजों को और अच्छे से देख सकें और अच्छे से अपनी रिसर्च कर सकें। अभी की बात करें तो हमारे रिसर्चर्स ने एक बहुत अच्छा लिंक फाइंड किया, इनका कहना है कि जितना लेवल है करप्शन का और पॉलिटिकल फ्रीडम है किसी भी रीजन में, इन दोनों में एक अच्छा लिंक हम बना सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा करप्शन रहेगा उतनी कम पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी, जितना ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी उतना कम हमें करप्शन देखने को मिलता है, ऐसे लिंक अभी फाइंड करने का ट्राई किया हमारे रिसर्चरों ने। इसके बाद भाई और भी डिस्कशन हुआ है कि क्या पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स का भी कुछ होना चाहिए, ऐसी पूरी बातें चलती रहती हैं जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी कंट्री कितनी करप्ट है, तो ऐसी बातें आती हैं। और उसके बाद यार आपको एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बता सकते हैं कि और कौन से लिंक्स है ऐसे हैं, कि कैन यू थिंक ऑफ अदर लिंक्स टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आपको कोई ऐसे लिंक्स पता हो तो कॉमेंट में बताना, बड़ी मजा आएगी मुझे पढ़कर। इसके बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉक्स आता है यार भूटान के बारे में। यहां दिया हुआ कि भूटान एक अकेली कंट्री है, जिसका कहना है भाई अगर आपको एक कंट्री की प्रोग्रेस देखना है तो आपको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से देखना पड़ेगा, मतलब एक कंट्री की हैप्पीनेस डिसाइड करेगी और वो कंट्री का प्रोग्रेस कितना है। इन लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल प्रोग्रेस होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, इन दोनों चीजों को और बारीकी से देखते हैं। इनका कहना है सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी वजह से क्या हार्म्स हो रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्या हार्म्स हो रहा है, हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ को क्या हार्म हो रहा है, लोग अपनी ऐसी बातें करते हैं। इनका एक अलग चीज आता है, इनका कहना है भाई मटेरियल प्रोग्रेस के लिए आप हैप्पीनेस को दांव पर नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हैप्पीनेस की कॉस्ट पर मटेरियल प्रोग्रेस गेन किया, ये गलत चीज है। तो इन लोग इसी को इंकरेज करते हैं यार, और इनका कहना है कि अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, तो ये भी हमें इंकरेज करता है कि हम स्पिरिचुअल होकर देखें, नॉन मटेरियल होकर देखें और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखें डेवलपमेंट के। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। तो जब भी यार हम ह्यूमन डेवलपमेंट का इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है यहाँ पर डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता टेरिटरी के साइज से, पर कैपिटा इनकम से। तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो हमें अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट में दिख जाती है, जो कि छोटी होती हैं, मतलब उनकी बड़ी कंट्रियों से ज्यादा हमें आगे ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ कंट्री पुअर है लेकिन वो अपनी नेबर रिच कंट्री से ज्यादा ऊपर रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो श्रीलंका हो गया, त्रिनिदाद हो गया, हो गया, इनकी रैंक इंडिया से ज्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि ये हमसे ज्यादा छोटी इकोनॉमीज़ हैं, हमसे बड़ी इकोनॉमीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम इंडिया के अंदर ही एग्जांपल लेते हैं तो केरला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा अच्छा काम करता है अगर बात करें पंजाब और गुजरात से, जबकि पंजाब और गुजरात का पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है, लेकिन ये अंतर हमको देखने को मिल जाता है। और पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल हमें चार ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, चार ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है कंट्रीज को कि उनका भाई क्या स्कोर आया है। एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, तो चार होते हैं, एक होता है वेरी हाई, फिर होता है हाई, फिर होता है मीडियम और लो। इसको आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं, इसके बेसिस पर कंट्रियों को उनकी रैंक दी जाती है। तो भाई अगर हम बात करते हैं उन कंट्रियों की जिनका स्कोर 0.800 से ज्यादा है, उनको हम वेरी हाई जगह देते हैं। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की बात करते हैं, तो इसमें 59 कंट्रीज आती है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी हाई है। तो आपको यानी जो टेबल है यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड्स। तो आपको पूरी 10 कंट्री देखने को मिल जाएंगी 2018 की रिपोर्ट से।
तो यार अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, मतलब हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप की, जहां पर टोटल 53 कंट्रीज हमारे सामने आती हैं, तो मेनली यहां पर देखिए यार किन्ने से क्या किया जो इतनी ऊपर आ गए। तो यहां की गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है भाई एजुकेशन और हेल्थ केयर। इन लोग सबसे ज्यादा यही प्रोवाइड करने के लिए पूरा काम करते हैं। और फिर ऐसी कंट्रीज में हमें ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता है सोशल सेक्टर में। जब सोशल सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के लिए आप करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए आप करते हैं, तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सब मिला के भाई जब हाई इन्वेस्टमेंट लोगों पर हो रहा है और गुड गवर्नेंस हो रही है, तो ये चीजें जब मिलती है तो ये इन कंट्रियों को बाकी कंट्रियों से एकदम अलग बना देती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब फाइंड कीजिए कि हर कंट्री की इनकम का कितना परसेंटेज वो स्पेंड करते हैं ये पूरे सेक्टरों में, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और उसके बाद एक और चीज आती है, क्या इन कंट्रियों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है जो इन लोग इतने हाई लेवल पर पहुंचे? तो जी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आप नोटिस करोगे जितने कंट्रियों के नाम आए हैं और जितनी ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई लेवल पर हमें देखने को मिल रही है, ये फॉर्मर इंपीरियल पावर रही है। बोला इनने पहले कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री पर कब्जा जमाया और बड़ा बड़ा अपना राज्य किया है। मतलब इनका पूरा एक बड़े राज्य हमको पहले देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद और भी चीजें कॉमन देखने को मिलती है, जैसे सोशल डाइवर्सिटी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। सोशल डाइवर्सिटी इनकी हाई नहीं, मतलब इंपीरियल पावर रहे हैं ये, सोशल डाइवर्सिटी इनमें नहीं है। इसलिए हमें बहुत सारी कंट्री देखने को मिल जाती है इस हाई डेवलपमेंट में जो कि यूरोप में लोकेटेड है और जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड ये पूरी हमें शो करती है और कहीं ना कहीं यूरोप का ये पार्ट है, इसलिए हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन एक और चीज यार कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूरोप की कंट्री हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी कंट्री जो नॉन यूरोपियन है लेकिन उनने भी अपने आप को इस लिस्ट पर लेकर आ गए, तो ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद भाई वो कंट्री जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म करती है। टोटल 39 कंट्रीज हमको अभी देखने को मिलती है रिपोर्ट के अनुसार जो मीडियम लेवल में आती है। अगर हम इन कंट्री की बात करते तो भाई ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम से इमर्ज हुई है और बहुत सारी कंट्री ऐसी जो इमर्ज हुई है हमारे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। 1990 का जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तब ये कंट्री पूरी इमर्ज हुई है, जब वो ब्रेक हो गया था पूरा, तो उसके बाद ही हमको देखने को मिल जाता है। और बहुत सारी इनमें से ऐसी कंट्री हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इन्हें पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लेकर आ गए हैं और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं। अगर इन कंट्रियों की बात करें तो यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर से, मतलब वो कंट्री जो हाई लेवल पर आती है उनसे कंपेरिजन में इनका सोशल डाइवर्सिटी थोड़ा ज्यादा होता है। और इन कंट्रियों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, सोशल अपराइजिंग हमें देखने को मिलते हैं कभी ना कभी। भला इनकी हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो कभी ना कभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इनका हुई रहती है या फिर कहीं ना कहीं सोशल अपराइजिंग हमें देखने को मिल जाती है, और दोनों भी देखने को मिल जाते हैं पास्ट में। तो ये रीजन की वजह से इन लोग याली रैंक पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर भाई एक बॉक्स आता है बहुत शॉकिंग यार, ये इंडिया 126 इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर 2006 की रिपोर्ट की बात करते तो हमारा 126 रैंक था, 2018 की बात करते तो 130 तक हम गिर गए। भाई इतना नीचे हम क्यों आ रहे हैं यार, आप कमेंट में मुझे बताना ऐसा क्या हमारे साथ हो रहा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतने नीचे गिरते जा रहे हैं। उसके बाद भाई अगर हम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप की बात करते तो टोटल 38 कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। इसमें लार्ज प्रपोर्शन है स्मॉल कंट्रीज का जो पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रही है, सोशल इनस्टेबिलिटी है वहां पर, मतलब सिविल वॉर चल रही होंगी, फेमाइन होगा या बहुत सारी डिसीजेस होंगी। अभी हमने इससे पहले बात करी थी कि भाई पास्ट में ऐसा उन कंट्रियों के साथ हो चुका है इसलिए वो मीडियम लेवल पर आती हैं। लेकिन अगर आप लो लेवल की बात करें तो ये कंट्री अभी इस चीज से जूझ ही रही है, मतलब पास्ट की बात थोड़ी अभी जूझ ही इन लोग इस चीजों से रहे। तो ऐसी कंट्रियों में यार एक अर्जेंट नीड है ह्यूमन डेवलपमेंट की, यहां पर कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे सब चीजें सही हो सके, तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद भाई अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है तो वहां बोल दिया जाता है यार कि वहां के लोगों की कल्चर की वजह से ऐसा है। मतलब एग्जांपल लें तो भाई अगर कोई एक्स कंट्री है जिसका लो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो बोल दिया जाता है यहां के लोग ये वाई रिलीजन फॉलो करते होंगे, जेड कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, मतलब सीधे रिलीजन कम्युनिटी पर ब्लेम डाल दिया जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही मिसलीडिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ये देखना है भाई कोई रीजन है जहां पर ह्यूमन
डेवलपमेंट इतना हाई लेवल पर नहीं है। तो आगे गवर्नमेंट के हमें एक्सपेंडिचर के पैटर्न को देखना पड़ेगा कि वो सोशल सेक्टर पर कैसा क्या स्पेंड करते हैं, फिर वहां की पूरी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है भाई, लोगों में फ्रीडम होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कोई भी कंट्री जहाँ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है तो वो सोशल सेक्टर पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर लोग फ्री होते हैं भाई। पॉलिटिकल टर्मोइल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती, फ्रीडम लोग इंजॉय करते हैं। तो ये पूरे रीजन हमारे सामने आते हैं। उसके बाद भाई एक कंट्री की जो रिसोर्सेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें थोड़ा इक्विटेबल देखने को मिल जाता है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। मतलब अगर एक कंट्री की रिसोर्सेस ही अच्छे से डिवाइड नहीं होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा, तो भाई वो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो यहाँ की जो कंट्री होती है ना डिफेंस में ज्यादा स्पेंड करती है एज कंपेयर टू सोशल सेक्टर, पूरा इनका ध्यान डिफेंस में ही लगा होता है। तो भाई कोई भी ऐसी कंट्री है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, रिसोर्सेस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगी। तो ये कुछ रीजन हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी के साथ यार हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट बचता था कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।